मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपके सामने आ गया। आगे लो सुनील जी खाटी बिहारी जल्दी आ, अब सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर। सुनील जी खाटी बिहारी चैनल में तोहार के एक पैसा नहीं खेलागी, एक रुपया आपको नहीं लगेगा। और इसको सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बतलाओ, लाइक करो, कमेंट करो। चलो भैया अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। और बिहार के जितने भी छात्र दसवें क्लास में पढ़ते हैं उनको लोकतांत्रिक राजनीति विषय से के पुस्तक से मैं, या कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर से मैं आपको लेक्चर से प्रस्तुत कर रहा हूं, लाजवाब बेहतरीन रोचक और ज्ञानवर्धक अंदाज में। इस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली को मैं दो भागों में प्रस्तुत करूंगा और मैं इसके साथ शुरुआत करता हूं। लेकिन पुनः एक बार जल्दी से कह देता हूं, चाहे आप बिहार के किसी भी जिला से हो, किसी भी गांव से हो, कस्बे से हो, शहर से हो, आप भैया सुनील जी खाटी बिहारी एक पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करो। चलो भैया सबसे पहले सत्ता में साझेदारी की राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि सत्ता में साझेदारी करने से एकता अखंडता ये परिपूर्ण होती है, इसकी वैधता आती है। यदि सत्ता में साझेदारी सभी वर्गों सभी समूह का न रखे तो एकता और अखंडता में बाधा होगी। आप देखिएगा सत्ता में साझेदारी जब भी मंत्रिमंडल बनता है उसमें शेड्यूल कास्ट के भी मेंबर को रखा जाता है, शेड्यूल ट्राइब के भी मेंबर को रखा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों के मेंबर को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही जाति एक ही वर्ग से बना दिया जाता है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी ये आत्मविश्वास देता है। अब लोकतंत्र में हम जानते हैं कि जनता की सारी शक्ति, लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत होता है क्या होता है? जनता होता है, मालूम है आपको बिल्कुल। लेकिन यदि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चले जाइएगा, जैसे कि राजशाही हुई, तानाशाही हुई, या सैनिक शासन हुआ, या एक दलीय शासन व्यवस्था हुआ, इनकी अपनी सीमाएं हैं, इनकी अपनी कमजोरी है। जैसे एक राजशाही, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका पोता राजा बनेगा, वो अयोग्य हो सकता है, पियक्कर हो सकता है, तमाम तरह उसमें खामियां हो सकती है, वेश्यावृत्ति की तरफ जा सकता है, कई सारे अपराध तो देखिएगा कि अंत में जाकर के वो समाप्त हो गया, जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। लेकिन ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। तानाशाही में हुआ कि एक ऐसा सरकार में सबसे शीर्ष पर ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी की बात की नहीं सुनता है, वो अपने ही जिद पर अड़ा रहता है, अपने ही हनक पर रहता है, और उसको जनता के कल्याण से भी मतलब नहीं रहता है, उसको हम लोग तानाशाह कहते हैं। तानाशाह कहते हैं, ये भी अलोकप्रिय सरकार होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था हुई कि जैसे कोई एक ही दल में, चाहे ए आवे चाहे बी आवे चाहे सी आवे, एक ही दल में ही आप किसी व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं, उसकी नीति उसकी जो विचारधारा है उसमें कोई खास तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इन तीनों में अलग इसमें सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाती है, इसमें खामियां होती है। अब लेकिन सत्ता में साझेदारी का अलग अलग उदाहरण अलग अलग देशों में मिलता है। जैसे आप चले जाए बेल्जियम में तो इसमें डच और फ्रेंच दोनों का 50-50% 50-50% के उसके मंत्री होते हैं, क्योंकि वहां पर डच बोलने वाले भी हैं और फ्रेंच बोलने वाले भी, तो दोनों का प्रतिनिधित्व रखा जाता है। इससे क्या होता है कि वहां के देश की के सत्ता में साझेदारी का किसी तरह का विरोधाभास नहीं होता है। अब अगला देखते हैं कि विश्व के आप बहुत सारे देश में देखिएगा, भारत में भी है तो आप देखें एक सत्ता में चाहे अनुसूचित जाति हो, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो, अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कोशिश किया जाता है ताकि किसी में विभेद की भावना आवे। अब तो लोकसभा और राज्यसभा में महिला को भी 33% प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा जाता है। पंचायती राज में चले जाइए, पंचायती राज में देखिएगा 50% महिला का आरक्षण मिला रहता है। बिहार में आपको इसका उदाहरण देखने को मिलता है, बिहार में बल्कि पूरे भारत में आप देखिएगा तो महिला मुखिया बनती, सरपंच बनती है, वार्ड मेंबर बनती है, ब्लॉक प्रमुख बनती है। सारा चीज आप देखिएगा सबका, उसमें अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है, पिछड़े वर्ग भी है, अति पिछड़े भी, सब लोग आते हैं। इसमें क्या होता है कि राजनीति व्यवस्था मजबूत होती है, लोगों में आत्मविश्वास आता है, उसमें आत्मविश्वास का संचार होता है। तो ये सत्ता में भागीदारी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक को भी कहा गया है कि उनको भी शक्ति प्रदान करना है,
सत्ता में उनको भी साझेदार बनाना है, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कमजोर समुदाय का अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जो बहुसंख्यक जैसे भारत में हिंदू है, 82% हिंदू है, जैन कम है, बौद्ध कम है, मुस्लिम समुदाय कम है, उन लोगों को अल्पसंख्यक की का के वर्ग में रखा जाता है। तो उनको भी आप देखिएगा कि भारत के कई राष्ट्रपति मुस्लिम समुदाय से आए हैं, एपीजे अबुल कलाम हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद हुआ, जाकिर हुसैन हुआ, ये सब मुस्लिम समुदाय के ही थे। मुस्लिम समुदाय से भी मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, सब 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 उस। तो ऐसा नहीं है कोई एक समुदाय का ही सत्ता में वर्चस्व रहता है। इससे आत्मविश्वास जगता है, इससे सरकार चलाने में एक सभी वर्गों का विश्वास होता है, किसी एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग के मन में शंका नहीं होती है। अब आते हैं कि ये जो शक्ति का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र हुआ, राज्य हुआ, स्थानीय शासन हुआ, जिसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन अलग अलग सरकार के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कार्यपालिका हुआ, विधायिका हुआ, न्यायपालिका हुआ। विधायिका का काम है कानून बनाना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होती है, अब विधानसभा विधान परिषद राज्य में होती है। तो इन सब का काम है कानून बनाना। हालांकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, लेकिन विधानसभा विधानसभा ये होती है। इन सब का काम है कानून बनाना, ये विधायिका के अंतर्गत आती है, जो विधायन की प्रक्रिया करे। कार्यपालिका का काम है कि विधायन जो बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको सही ढंग से लागू करना कार्यपालिका आते हैं। कार्यपालिका में आ गया आपका मंत्रिपरिषद, आ गया मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, इसके बाद राज्य स्तरीय मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो गए, ये सब कार्यपालिका में। और न्यायपालिका, न्यायपालिका कहते जिसे सर्वोच्च न्यायालय हुआ, हाईकोर्ट हुआ, अधीनस्थ न्यायालय हुआ, इन सब का कार्य अलग अलग बटा हुआ। न्यायपालिका का काम है कानून की वैधता की जांच करना, यदि दो वर्ग में किसी भी तरह का झगड़ा झंझट इस तरह का नौबत चले आवे, एक दूसरे के प्रति अधिकार का मान लीजिए यदि वर्चस्व का प्रश्न चले आवे, तो न्यायपालिका इस चीज की फैसला करती है। तो तीनों का अलग अलग क्षेत्र बटा होता है। इससे क्या होता है कि सत्ता का अतिक्रमण न होता है, कोई एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र को अपने अधीन लाने की कोशिश नहीं करता, हर का बटा हुआ है, इससे सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब इसमें देखिए कि सत्ता में एक और चीज आप जान लीजिए कि राज्य सरकार का अपना अधिकार है, केंद्र सरकार का अपना अधिकार है, और अधीनस्थ सरकार का, अधीनस्थ सरकार या पंचायती सरकार का अपना अधिकार है। तो संघवाद का नाम आपने सुना होगा, यू हैव लिसन द वन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज कि फेडरलिज्म। और तो फेडरलिज्म क्या है? संघवाद। संघ माने क्या? कॉपरेशन का भाव। केंद्र का अलग शक्ति, राज्य की अलग शक्ति, स्थानीय शासक की अलग शक्ति, लेकिन ये शक्ति कहां से आता है? संविधान से आता है। जल्दी बोल, संघवाद कर ले, गणेश माथुरे से पूछ रहे, जल्दी बोल। संघवाद का जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, वो किससे होता है? लिखित संविधान से होता है। लिखित संविधान ही ये आपको देता है। संघ महत्वपूर्ण विषय उसके अंदर दिए जाते हैं। राज्य के लिए जो राज्य के स्तर का विषय है उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है, वो उनको दिए गए हैं। और स्थानीय शासन जो अल्प महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जगह के लिए महत्वपूर्ण है, वो उनको दिए जाते हैं। तो इसके लिए कानून में तीन सूची बनाई गई है भारत में। एक को कहा जाता है केंद्र सूची, जिस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची, जिन विषय पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची, जिस विषय पर दोनों कानून बनाता है, सम माने बराबर, और दोनों और सूची जिस जो उसमें विषय आते हैं। केंद्र सूची के तहत महत्वपूर्ण आता है प्रतिरक्षा, दैट इज कॉल्ड डिफेंस, विदेश नीति, अन्य देश से कैसा संबंध रखना चाहते हैं, जैसा चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, विदेश नीति, भारत की जैसा मान लीजिए पाकिस्तान से खराब संबंध है तो उसके साथ उसी तरह की नीति बनाई जाती है, चीन से अच्छा संबंध नहीं है तो उसके साथ उसी तरह की नीति बनाई जाती है। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, आप देखिएगा इन सबको भारत इस विपरीत परिस्थिति में उसको कोरोना का टीका दिया, उसको बराबर मदद करते रहता है, नेपाल को तो नमक तक बेचता है। तो ये सारी चीज जो आप देखते हैं, तो केंद्र सरकार के तहत मुद्रा, बैंकिंग, संचार साधन, ये सब महत्वपूर्ण विषय केंद्र को दिए गए, केंद्र ही उस पर कानून बनाएगा, उसी की जिम्मेवारी है। राज्य सूची में आता है जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा,
पुलिस, ये सब राज सूची में आता है और इन सब का कंट्रोलिंग, चूंकि ये राज लेवल पर काम होता है, इन सब का कंट्रोलिंग राज ही अच्छा कर सकता है, इसलिए राज सूची के लिए विषय दिया गया है। और संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन यदि दोनों कानून बनाते विरोधाभास हो जाए, विरोधाभास करते कि एक दूसरे के अपोजिट में चला दे या एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो उस स्थिति में केंद्र की बात चलेगी। और ये इसलिए ताकि केंद्र मजबूत रहे, ऐसा नहीं जो कोई केंद्र कहे हम पूरब चलेंगे और यदि राज्य कहे पश्चिम चलेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, किसका बात मानेगा जनता, तो केंद्र की बात चलती है, समवर्ती सूची कही जाती है। ये केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर सबका उत्तरदायित्व बटा हुआ है, क्षेत्राधिकार बटा हुआ है। और ये आती है कहां से, संविधान से। भारतीय संविधान क्या है, सबसे बड़ी लिखित संविधान है। जल्दी बोल गणेश, थोड़े से पूछ रहे भारतीय संविधान क्या है, सबसे बड़ी लिखित संविधान है, वहीं से आती है। और संघवाद किसको कहते हैं, संघवाद कहते हैं केंद्र राज्य इन दोनों के स्तर पर और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर उनके शक्तियों का विभाजन को हम लोग संघवाद कहते हैं। अब देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मीन्स क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वी कॉल्ड इट एज ए रेसिडुअल पावर। अवशिष्ट माने क्या, जो बचा हुआ शेष, जिस जो विषय किसी को भी नहीं दिया गया, न केंद्र को दिया गया, न राज्य को दिया गया, न स्थानीय प्रशासन को दिया गया, तो वो विषय जो बचे हुए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, इसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जल्दी बोल गीतिया, कोरे से पूछ रहे हैं मार्गो दस गिन वो एक, हाँ अवशिष्ट शक्तियों का किसको मिला है, अवशिष्ट शक्तियों का मिला है ये अधिकार, ये केंद्र को मिला हुआ, बिल्कुल सही गीतिया, तुमको 80% नंबर आएगा। अब मान लीजिए कि कभी ऐसी नौबत आ जाए कि राज्य के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का नौबत चला गया, कभी आपातकाल हो जाता है, कभी कोई देश दूसरे पर अटैक कर देता है, या आर्थिक इमरजेंसी यदि ऐसी स्थिति, इस स्थिति में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को तभी मिल सकता है जबकि लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से और उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत और कुल सदस्य के आधा से अधिक और आधे से अधिक राज्य का विधानसभा से समर्थन मिलता है तो उस राज्य पर विषय पर कानून बनाए जा सकते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ज्यादा टीडीएस प्रक्रिया है। हाल फिलहाल में आप देखे होगा, यू हैव लिस्ट द वन वर्ड जीएसटी, आपने सुना होगा, तू सुन ले होगा कि जीएसटी कहवा हो, जीएसटी बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले तुहार के जानकारी में होत बा कि बिक्री कर ये राज्य के विषय बा, लेकिन ओम राज्य का विषय बा तो उस पर केंद्र चाहा तो एक ही तरह का, कहीं पर बिक्री कर 4% होता था, कहीं 8% होता था, कहीं 12% होता था, ये दिक्कत होता था उसमें, तो केंद्र ने उसको अपने जिम्मे लिया, तो 2/3 बहुमत से लिया, आधे से अधिक सदस्य के द्वारा और आधा से अधिक राज्य के द्वारा अनुसमर्थन के बाद तब ये जीएसटी केंद्र को अधिकार मिला। तो राज्य सूची पर तभी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है जबकि प्रॉपर चैनल से उसको वो अधिकार मिले। ये इसके बाद मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि केंद्र कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है, उसके वैधता से संबंध होती है कि वो वैध है या अवैध है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो राज्य अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया बढ़ गया, या कभी कभी दोनों में लड़ाई और झगड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्यों हो जाए, गांव में तो तू हार तो सुनने हो, पंचायती शब्द हु विल डू द पंचायती करता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसी तरह केंद्र राज्य के बीच में यदि विभेद होता है, कोई किसी भी तरह का यदि कानून की वैधता संबंधी प्रश्न चले आती है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर मिला है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, चाहे तो खंडपीठ राष्ट्रपति कहीं और बना सकते हैं लेकिन ये दिल्ली में है, यही आपका अंतिम कानून की व्याख्या करता है। हाईकोर्ट भी व्याख्या करता है लेकिन अंत में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ही मानी जाती है। कानून की जांच संविधान के प्रावधान के अनुसार ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए फैसले को भी केंद्र सरकार चाहे तो अनुसूची 9 में उस विषय को डाल करके पलट सकती है, लेकिन बहुत कम होता है। तो ये अधिकार है। तो आपने संक्षेप में, जल्दी बोल रमेश बाबू, हम तोरे से पूछ रहे हैं कि केंद्रीय सूची पर कानून कौन बनावे, केंद्र 12 रमेश बाबू 80% नंबर आवे। गणेश बाबू हम तोरा से पूछ रहे हैं समवर्ती सूची पर कौन कानून बनावे, राज्य और केंद्र दोनों बनावेगा और दोनों विरोधाभास हो जाएगा, किसका चलेगा, केंद्र का चलेगा।
अब आते हैं संघीय व्यवस्था में कुछ अलग अलग मॉडल. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म और आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, हम त्योहार के कुछ कुछ उदाहरण दे तुम्हारा तनि ध्यान दिया तन ध्यान हाँ ध्यान देवे गीता बहन ध्यान देवे. हाँ वेस्ट इंडीज में संघवाद कैसा है. वेस्ट इंडीज का संघवाद 1958 में लाया गया था. कब 1958 में, ठीक बिल्कुल सही जवाब. अब ये 58 में लाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इसमें केंद्रीय और राज्य शक्ति जो होती या इसमें अलग अलग जो क्षेत्र थे, जैसे वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज है अलग अलग टापू का एक जगह बनाया गया था उसका एक समूह जिसको वेस्ट इंडीज नाम दिया गया. लेकिन इसमें केंद्रीय सरकार के बीच प्रतिस्पर्धा चालू हो गया. उसमें प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ कि भंग हो गया. भंग हो गया तो फिर 1973 ईस्वी में आते हुए कब, तो 1973 ईस्वी में याद रखिएगा कब, 1973 और ये चिगू आराय संधि. चिगू आराय संबंधी संधि संधि नॉट संबंधी संधि संधि ये एक बैठक हुई थी और तब उसमें फैसला लिया गया कि संसद सर्वोच्च न्यायालय मुद्रा और साझा कार्यपालिका एक कॉमन बनाया जाएगा और उस कॉमन के बनाने के आधार पर आज वेस्टइंडीज चलती है. वही वेस्टइंडीज का कप्तान क्लाइव लॉयड से जो दो बार विश्व कप जीते थे, वही के लाजवाब बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स हैं, वही के बैट्समैन अभी क्रिस गेल है, वही के बैट्समैन आप देखते हैं कि और भी कुछ महत्वपूर्ण है जो कि आपको बेहतरीन पावेल हैं. अब अभी भी आप देखिएगा मुंबई इंडियन में भी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स में भी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के टीम में खेलते हैं और काफी लंबा लंबा हिटिंग करते हैं, वो वेस्टइंडीज के ही खिलाड़ी हैं ये. और लेकिन फिर भी जो संघ का जो आदर्श स्वरूप होना चाहिए था वह देश में नहीं आ पाया क्योंकि वो वेस्टइंडीज के ये अलग अलग टापू या कह सकते हैं छोटे छोटे जो देश हैं या छोटे छोटे जिसको हम राज्य कह ले या देश कह ले, वो ना अलग हैं और ना ही साथ हैं, इसलिए वहां का संघवाद का आदर्श रूप नहीं दिखता है. नाइजीरिया में चले आइए तो 1950 में नाइजीरिया में संघवाद की व्यवस्था ये लागू की गई थी लेकिन वहां पर जातीय संघर्ष शुरू हो गया और जातीय संघर्ष शुरू होने के कारण एक जाति दूसरे जाति से लड़ने लगे झगड़ने लगे. एक जाति दूसरे जाति को दबाना चाहता था, वहां पर तीन जाति के प्रभुत्व के लिए लड़ाई चलने लगा जिसके कारण संघवाद ये अच्छा ढंग से नहीं चल पाया. तो फिर 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र लाया गया लेकिन फिर हुआ कि नाइजीरिया में तेल बहुत आयात मिलता है और तेल के लिए लड़ाई चालू हो गया तो संघवाद का आदर्श रूप नहीं मिल पाया. लेकिन भारत संघ का बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि भारत में केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार अपने अपने ढंग से चलती है, थोड़ा बहुत विभेद होता है लेकिन फिर भी उस विभेद को न्यायपालिका परिषद सशक्त न्यायपालिका आराम से उसको सॉल्व करती है समाधान करती है और भारत का लोकतंत्र भारत का संघवाद भारत में सत्ता की साझेदारी एक आदर्श मान सकते हैं और भारत इस मामले में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं. इसी के साथ में सुनील जी खाटी बिहारी आपका इसका पहला भाग कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का पहला भाग समाप्त कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं दूसरा भाग लेकर के कल ही मैं हाजिर होऊंगा और कल ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा. जय बिहार जय भारत.